दोस्तों आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, क्योंकि हम अपने मोबाइल से सिर्फ एक SMS भेजकर अपने लाइट्स को कंट्रोल करेंगे, यानी कि ऑन और ऑफ करेंगे। जी हाँ, सिर्फ एक SMS भेजकर। तो इसे बनाना भी काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक GSM मॉड्यूल। जी हाँ, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं GSM 900 मॉड्यूल, जो कि 2G नेटवर्क पर काम करता है। यहाँ पर आपको 2G नेटवर्क वाला सिम कार्ड यूज़ करना है। तो ये है हमारा GSM मॉड्यूल, जो इस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। उसके बाद जो है इसका ब्रेन, यानी इसका मदरबोर्ड, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर Arduino Uno बोर्ड। आप Arduino का कोई सा भी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। Arduino का Uno R3 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद देखते हैं, हमारे पास जो है दो चैनल को हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं, यानी दो लाइट्स को, इसलिए हमें दो चैनल वाला रिले मॉड्यूल चाहिए। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 5 वोल्ट का 2 चैनल रिले मॉड्यूल। और यहाँ पर हम आउटपुट को देखने के लिए यहाँ एक 16:2 यानी 32 करेक्टर का LCD डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। वैसे LCD डिस्प्ले ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ ना भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो LCD डिस्प्ले में हमने कुछ थोड़ी सी वायरिंग भी कर ली है, जैसे कि जंपर वायर्स को। तो इस तरह से आप जंपर वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम LCD मॉड्यूल, जो कि ऑप्शनल था, उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। और हमें चाहिए जंपर वायर्स, जो कि Arduino के साथ अपने सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। और साथ में चाहिए USB केबल, जो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ अपने Arduino Uno को कनेक्ट करेंगे प्रोग्राम करने के लिए। और फाइनली हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। जी हाँ, 12 वोल्ट का, यहाँ पर मिनिमम 12 वोल्ट और 2 एम्पियर का पावर सप्लाई चाहिए। जी हाँ, 2 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, भले ही आप 3 एम्पियर यूज़ करें। और साथ में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टर्स चाहिए, जो कि Arduino और GSM मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे। तो इतना सारा सामान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये सारा सामान आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल सकता है, तो ये सब खरीद लीजिए और जुगाड़ कर लीजिए। और सबसे पहले हम लोग अपने GSM मॉड्यूल को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले एंटीना को कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें एक सिम कार्ड लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसे हम 2G नेटवर्क वाला सिम कार्ड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सिम कार्ड होल्डर को ओपन करेंगे इस तरह से खोल के, और फिर हम अपने किसी एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे किसी 2G नेटवर्क वाले सिम कार्ड को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। जी हाँ, जियो सिम 4G वाला होता है, उसको यूज़ नहीं करना है। दोबारा सुनिएगा, जियो सिम को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। जी हाँ, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम को सबसे पहले एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं, ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम GSM मॉड्यूल और Arduino के बीच देखते हैं। तो GSM मॉड्यूल में हम देखते हैं कि यहाँ पर VCC पावर सप्लाई, जो GSM मॉड्यूल के लिए है, वो यहाँ पर जा रहा है। और ग्राउंड का कनेक्शन यहाँ पर TX और RX का कनेक्शन है, यानी कि ट्रांसमिशन और रिसीप्शन का कनेक्शन है, जो डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं। तो Arduino के पिन नंबर 3, जो कि RX है, वो GSM मॉड्यूल के TX के साथ कनेक्ट हुआ है, जो ग्रीन वाला वायर दिख रहा है। और यहाँ पर जो Arduino का पिन नंबर 4 है, पिन नंबर 4, वो TX वाला जो है, वो GSM मॉड्यूल के RX के साथ कनेक्ट हुआ है, जहाँ ब्लू वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर LCD मॉड्यूल की। दोस्तों, LCD मॉड्यूल में जो है 16 पिन होते हैं, जिसमें से आपको 4 डेटा का पिन यूज़ करना है, जो कि D4 से लेकर D7 है, D4, D5, D6, D7, और D0 से D3 को आपको ग्राउंड रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर, LCD का पिन नंबर 1, 2 और 3 में एक 10K यानी 10 किलो ओम का प्रीसेट लगा है, जो कि LCD के कंट्रास्ट को एडजस्ट करता है। और यहाँ पर LCD का जो पिन नंबर 15 है, वहाँ पर एक 220 ओम का रजिस्टर लगा है, जो कि उसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। आप 220 ओम की जगह 330 ओम या 100 ओम भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और फाइनली हम अपने रिले मॉड्यूल के साथ EC मेंस को कनेक्ट करेंगे, ताकि दो बल्ब को ऑन और ऑफ कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पावर सप्लाई है, हमने Arduino के लिए एक देख रहे हैं, और दूसरा जो है GSM मॉड्यूल की। चाहे तो दोनों को एक साथ भी पावर सप्लाई दे सकते हैं 12 वोल्ट का। चलिए, अब सारे चीज़ों को, सारे कंपोनेंट्स को हम लोग एक अच्छे से वायरिंग करते हैं, शुरू करते हैं। We'll be right back.
तो यहाँ पर सारा कनेक्शन हो चुका है और पावर सप्लाई हम लोग ऑन करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो चालू हो गया है, और यहाँ पर जो है आर्डिनो और GSM मॉड्यूल को यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं जो चालू है, और यहाँ पर LCD डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने इसको प्रोग्राम नहीं किया है। जी हाँ, प्रोग्रामिंग करना इसको बहुत ज़रूरी है अपने आर्डिनो के सॉफ्टवेयर से। तो सबसे पहले हम USB केबल से अपने डेस्कटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसको प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। तो जैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे प्रोग्राम को, यहाँ पर आपको एक zip फाइल मिलेगा। तो zip फाइल को खोलने के लिए आपको एक कोड चाहिए होगा 4 डिजिट का, तो वो थोड़ी देर में बताएंगे। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से एक इमेज फाइल मिलेगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा इसका सर्किट डायग्राम। इसका जो इमेज है वो सर्किट डायग्राम देख के आप अपने कनेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा आपको इस zip फाइल में मिलेगा आर्डिनो का असली वाला जो कोड है, मेन कोड, ये 100% वर्किंग कोड है। इसे हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्डिनो का हमारा जो कोड है इसे हमें अपलोड करना रहेगा अपने आर्डिनो के बोर्ड में। दोस्तों वैसे तो ये कोड पूरी तरह से रेडी है, लेकिन थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिसको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर सीरियल का हेडर फाइल हमने यूज़ किया है। ये कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो ज़रूरी रहते हैं। यहाँ पर हमने GSM मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर सीरियल का लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया है। उसके बाद देखते हैं EEPROM जो कि एक मेमोरी रीड और राइट करने वाला लाइब्रेरी है। यहाँ पर इनबिल्ट मेमोरी होता है आर्डिनो के जो IC होता है उसमें। देखिए दोस्तों, जो हम कमांड देते हैं ऑन और ऑफ करने के लिए वो इसमें सेव हो जाता है, यानी पावर रीसेट होने पर भी आपका सेव रहेगा मेमोरी में कि कौन सा बल्ब ऑन था कौन सा ऑफ था। इसलिए हमने मेमोरी में भी इसके ऑपरेशन को सेव करने के लिए EEPROM का लाइब्रेरी यूज़ किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है LCD का यूज़ किया है हमने, तो उसके लिए भी हम लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे कुछ लाइंस दिख रहे हैं जैसे कि रजिस्टर सिलेक्ट पिन नंबर 9 में कनेक्ट है आर्डिनो के LCD का, इनेबल पिन 8 नंबर पे, उसी तरह D4 से लेकर D7 तक जो है वो कनेक्शन आपको देख सकते हैं आर्डिनो में किस तरह से कनेक्ट है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। देखिए दोस्तों, GSM मॉड्यूल जो होता है वो कुछ 80 कमांड्स पे काम करते हैं। वो 80 कमांड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। 15 सेकंड का डिले रखा है। देखिए दोस्तों, GSM मॉड्यूल जब स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कि कोई भी मोबाइल सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो तुरंत नेटवर्क कैच नहीं करता है, कम से कम 15-20 सेकंड लगता ही है। इसलिए 15 सेकंड का हमने यहाँ पर डिले रखा है। अब लूप में आके देखते हैं। देखिए दोस्तों, लूप जो है इसका मेन प्रोग्राम होता है जो कंटिन्यूसली रनिंग होता रहता है। तो यहाँ पर जो है LCD में डिस्प्ले करने के लिए ये थोड़ा सा प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, Relay 1 और Relay 2, ये ऑन और ऑफ का कंडीशन दिखाता है। जैसे कोई SMS हमें रिसीव होता है तो उसके फॉर्मेट को चेक किया जाता है। और फाइनली हम यहाँ पर स्टोर करते हैं EEPROM मेमोरी में। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आर्डिनो का जो कोड है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो zip फाइल है उसका जो कोड है 4 डिजिट का, वो आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो चलिए अब प्रोग्राम को हम लोग अपलोड करते हैं अपने आर्डिनो में। तो दोस्तों, आपका सारा पावर सप्लाई ऑन रहना चाहिए। यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, अब अपलोड हो रहा है। तो यहाँ डन अपलोडिंग लिखा है, यानी अपलोड हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं LCD के स्क्रीन में भी इनिशियलाइजिंग का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 15 सेकंड का वेट करना होगा क्योंकि यहाँ GSM मॉड्यूल स्टार्ट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है नेटवर्क को कनेक्ट होने में। तो यहाँ पर रिले का जो है आउटपुट वो यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं। अब एक SMS हम लोग भेज के देखेंगे। तो SMS का जो फॉर्मेट होता है वो होता है *00#, अगर सबको बंद करना हो, *11# अगर चालू करना हो। तो यहाँ पर *#, दोनों को बंद करते हैं इसलिए *00#। इससे क्या होगा, दोनों बंद हो जाएंगे, Relay 1 और Relay 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको SMS भेजते हैं अपने GSM में। देखिए दोस्तों, GSM में जो सिम कार्ड लगा है उसी में हम भेजना है। यहाँ पर देखिए, मैसेज रिसीव हुआ और दोनों रिले ऑफ हो गए क्योंकि हमने 00 का कमांड भेजा था। दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे *#, अब हम लोग दोनों को ऑन करेंगे इसलिए *11# डालेंगे और भेज देंगे *#11#। देखते हैं अब Relay 1 और Relay 2 चालू हो जाएगा। ये यहाँ मैसेज रिसीव दिखा रहा है और दोनों रिले ऑन हो चुके हैं यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको आप अच्छे से असेंबल कर लीजिए किसी कार्डबोर्ड में। सारी चीज़ों को इस तरह से आप जमाएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये आपके साइंस प्रोजेक्ट के लिए भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है GSM मॉड्यूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने SMPS पावर सप्लाई जो अडेप्टर था उसकी जगह पर ट्रांसफार्मर को यूज़ किया है।
मैंने आपको बताया था कि कोई भी पावर सप्लाई आप यूज़ कर सकते हैं 12 वोल्ट का, तो इस तरह से आप अपने स्कूल में या कॉलेज में और अपने खुद के घर के यूज़ के लिए इस तरह से बना सकते हैं। तो एक बार हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं, सारा चीज़ असेंबल हो चुका है इसलिए, यहाँ पर लाइट भी हमने लगाया है, एसी सप्लाई भी ऑन है, तो दोनों को ऑफ करते हैं स्विच स्टार 00 हैश से। यहाँ देख सकते हैं दोनों पहले से ऑन है। अब एसएमएस को भेजते हैं दोनों को बंद करने के लिए। यहाँ देखिए कमांड रिसीव हुआ और दोनों ऑफ हो गए हैं। दोबारा एक ट्राई करते हैं स्विच स्टार 10 हैश, ताकि पहला चालू और दूसरा बंद हो जाए। और यहाँ पे एसएमएस यहाँ रिसीव हुआ है और देखिए पहला वाला चालू और दूसरा बंद, स्विच स्टार 01 हैश, ताकि पहला बंद रहे और दूसरा चालू रहे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इसको जब आप बनाएंगे तो आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा इसे ऑपरेट करते हुए। दोस्तों इस सिस्टम को आप अपने सीरियल मॉनिटर में भी यूज़ करके देख सकते हैं, अपने आर्डिनो के सीरियल मॉनिटर में भी इसको आप चेक करके देख सकते हैं। अगर आपका आर्डिनो कनेक्ट है अपने कंप्यूटर के साथ, जैसे कि मैं यहाँ बंद करके देखता हूँ स्विच स्टार 00 हैश, यहाँ देखिए इसमें भी मैसेज रिसीव दिखा रहा है। तो डायरेक्टली बिना एसएमएस भेजे भी आप यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में चेक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट को आप खुद से बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपको बना कर दें तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत लगी थी। और आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम ढेरों प्रोजेक्ट इस तरह के नए नए लाते रहते हैं, हम आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं, इसलिए आप भी अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे ही ढेरों जानकारी के साथ हम नए वीडियो के साथ वापस आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।